हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपका और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11 का एक पोम आपके फर्स्ट चैप्टर हॉर्नबिल बुक से, जिसका नाम है आप फोटोग्राफी की राइटर है शर्ली टॉलसन। ये एक फेमस जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। पोम को पढ़ने से पहले आपको छोटा सा समरी बताते हैं क्या है इस पोम में। इस पोम के अंदर हमारी जो राइटर हैं पोम की, वो अपनी मदर को इस पोएम के थ्रू एक ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश कर रही हैं, उनको एक उनको रिमेम्बर कर रही हैं, उनको याद करने की कोशिश कर रही हैं और ये देखने की कोशिश कर रही हैं कैसे उनकी मदर की हैप्पीनेस उस टाइम पे कैसी थी और इनकी लाइफ उनके साथ किस तरीके से इंजॉयबल होती थी। आइए इसको हम लाइन बाई लाइन समरी पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पोएम शुरू होता है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड सी द बिग गर्ल सम 12 इयर्स एंड सो ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एंड माई अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बर्न एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंजलेस वॉज देयर टेरिफिक ट्रांसेंट फीच। Some 23 years later, she had laughed at the snapshot. See, Betty and Dolly, she had said, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both right with the labored easy of loss. Now, she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of the circumstances, there is nothing to say at all. It silence. ये आपका पूरा पोएम था। अब इसको हम लाइन बाई लाइन समझने की कोशिश करेंगे। हमारी ऑथर या हमारी पोएट इसमें क्या कहने की कोशिश करेंगे। आप अपना बुक और एक पेंसिल लेके एक साथ में बैठ जाइए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट टाइम से समझते हैं, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग। पहले दो लाइन में हमारी पोएट कह रही है कि जो कार्डबोर्ड था, कार्डबोर्ड का मतलब आप फोटोग्राफ से रिलेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो है फोटोग्राफ्स दीवारों पे लटका के हैंग करके रखा गया रहता है और हम उसको देखते हैं तो हमारी कई सारी मेमोरीज ताज़ा हो जाती हैं, दोबारा में याद आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे पोएट बताती है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग। जो कार्डबोर्ड था हमारी ऑथर के रूम में, हमारे ऑथर के कमरे में जो एक फोटो फ्रेम टंगा हुआ था, वो फोटो फ्रेम देख के हमारी ऑथर की माँ को ये याद आता है कि कैसे वो जो दो गर्ल कजिन्स थी वो पैडलिंग करने गए हुए थी। पैडलिंग का मतलब यहाँ ये है कि ये लोग सीसो के किनारे, समुद्र के किनारे जो है पैदल टहल रहे थे, घूम रहे थे और उस समय क्या है सी शोर से निकली हुई जो लहरें थी उनको, उनके पैर को छू रही थी, उनके पैर को धुल रही थी एक तरह से कह सकता है, और उस समय बेयर फीट वो लोग वहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे। तो यहाँ पे बताया है उन्होंने कि कार्डबोर्ड देख के उस समय का जो जो दो कजिन्स थी वो कितनी हैप्पी लग रही थी जब पैडलिंग के लिए गई हुई थी। इच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड सी द बिग गर्ल सम 12 इयर्स और सो। आगे वो कहती हैं कि उन दो लड़कियों को देखो जो जिन्होंने मेरी मदर की उंगलियों को पकड़ा हुआ है वहाँ पे सी के किनारे, और उसमें से जो बड़ी लड़की है उसे देखिए वो लगभग नियर अबाउट 12 इयर्स की है, 12 ईयर के आसपास की है। एंड थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एज द अंकल विद द कैमरा। आगे वो बताती हैं कि और वो तीनों उस समय क्या कर रहे थे समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे वो लोग जब पैडलिंग कर रहे थे उस समय उनके हेयर के बीच से थ्रू देयर हेयर वो एक स्माइल, एक अच्छी सी, एक ब्यूटीफुल सी स्माइल तीनों के तीनों पास कर रहे थे। ये कैसे पता चल रहा है, जब उनके अंकल कैमरा लेके वहाँ पे खड़े थे और उनका फोटो क्लिक कर रहे थे, पिक्चर निकाल रहे थे, उस समय उन्होंने जब पिक्चर निकाली तो आपने देखा होगा कि जब विंड चलता है, हवा चलता है तो क्या है हमारे हेयर, हमारे नहीं यूजली गर्ल्स के हेयर जो है वो थोड़े लंबे लंबे होते हैं, सुनहरे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो उनके चेहरे पे चले जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से सीसोर पे अब काफ़ी ज़्यादा विंड रहता है तो उनके हेयर उनके फेस पे थे और थ्रू देयर हेयर वो लोग स्माइल कर रहे थे। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बर्न। आगे वो बताती हैं कि ये देखिए पहला स्टेंजा जो है ये हमारी पोएट की मदर
हमारे पोइट से बता दिया उस समय का है, वो कहती हैं स्वीट फेस माय मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बर्न। यहाँ पे ऑथर बता रही है कि मेरी मदर का चेहरा उस फोटोग्राफ में देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि मेरे जन्म से पहले का फोटो था, चूंकि आपको ऊपर बताया गया था कि जो बड़ी लड़की थी वो कितने साल की थी, 12 ईयर ओल्ड की थी, यानी हमारे पोइट की मदर जो है उस समय 12 साल की रही थी। तो यहाँ पे पोइट बता रही है कि मेरी माँ का चेहरा उस समय काफी स्वीट फेस था, है ना, एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस वाज दैट टेरिबली ट्रांजिएंट फेस। आगे वो बता रही है कि जो सी था जहाँ पे ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, पैडलिंग कर रहे थे, वो सी आज भी अगर हम उस सी के पास जाते हैं तो वो भी चेंजलेस दिखाई देगा, मतलब उसमें कोई परिवर्तन, सी के अंदर आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया है। जो उस समय क्या कर रहा था, मेरी मदर के ट्रांजिएंट फेस को, मेरी मदर के, उनकी कजिन के और मेरी मदर के जो मदर, यानी तीन लोग उस समय थे समुद्र पे, समुद्र के किनारे जब वो लोग ट्रैवल कर रहे थे, पैडलिंग कर रहे थे, तो इन तीनों के फीट को वो सीशोर की जो लहरें थी वो वॉश कर रही थी, धुल रही थी। आप फर्स्ट पैराग्राफ की जो कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं आप यहाँ देख सकते हैं, पैडलिंग लिखा हुआ था, पैडलिंग का मतलब होता है नेविगेट, या फिर आप कह सकते हैं वॉक थ्रू वाटर, और कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का मतलब होता है फोटोग्राफ, ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट जो उधर एक वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब होता है लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी टेम्परेरली, कुछ समय के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि समुद्र की जो लहरें थी वो इनके फीट्स को कुछ समय के लिए कह सकते हैं कि वॉश कर रही थी। आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टेंजा में, सम 20-30 ईयर्स लेटर शी हैड लॉस्ट एट द स्नैपशॉट। अदर बता रही है कि कुछ 20-30 साल के बाद मेरी मदर जब उस कार्डबोर्ड को, उस फोटो को देखती है, यहाँ एक स्नैपशॉट करके लिखा हुआ है, स्नैपशॉट का मतलब होता है फोटोग्राफ, उसका भी मतलब फोटोग्राफी होता है। तो वो बता रहे हैं कि 20-30 साल बाद, फोटो क्लिक होने के 20-30 साल बाद जब मेरी मदर उस फोटोग्राफ को दोबारा देखती हैं, तो वो उस फोटोग्राफ को देख के काफी खुश होती हैं, काफी हैप्पी होती हैं और कहती हैं सी बेटी एंड डॉली सी हैड से। बता रहे हैं कि वो देखो फोटो में दो लड़कियां थी, लड़कियों का नाम यहाँ पे बताया गया है, याद रखिएगा एग्जाम में आपसे पूछ देता है, एक लड़की का नाम था बेटी और दूसरे का नाम था डॉली। कहती हैं इन्हें देखो सी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, और कहती हैं कि देखो कितना बेहतर तरीके से, कितने अच्छे तरीके से उनको बीच पे जाने के लिए ड्रेसअप करके रखा गया था, यानी तैयार किया गया था। द सी हॉलीडे वॉज अ पास्ट माइनस अ लाफ्टर। आगे जो है हमारी पोएट्रेस जो है बताती हैं कि जो सी हॉलीडे था, जो समुद्र पे जिस समय ये लोग घूमने के लिए गए थे, ये उनका पास्ट था, उनका यानी हमारी पोएट की मदर का पास्ट था, और मेरे लिए पास्ट क्या है, मेरे लिए मेरी मदर का हंसी, मेरी मदर की जो हैप्पीनेस थी, उनके चेहरे की जो स्माइल थी, वो पास्ट है। बोथ राइट द लेवर्ड इज योर लॉस। आगे वो बताती हैं कि दोनों की दोनों एक चीज से गुजर रहे हैं, वहां पे लास्ट स्टेंजा का सेकंड लास्ट लाइन में देखिएगा राय लिखा हुआ है, राय का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड। दोनों जो है किसी न किसी बात से नाराज है, डिसअपॉइंट है, नाराज नहीं कह सकते, डिसअपॉइंट है मतलब क्या है, मायूस है, उदास है, और वो किस चीज के बारे में है, दोनों ने अपनी अपनी कोई ना कोई चीज लॉस किया है, खोया है। क्या चीज लॉस किया है, पोएट की मदर ने अपना वो हैप्पीनेस जो उस समय था, जो फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा था, उसको लॉस किया है, और हमारी पोएट ने अपनी मदर के चेहरे की जो स्माइल थी, है ना, अपनी मदर को इन्होंने लॉस करा है। नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। आगे वो बताती हैं, पोएट कह रही है कि अब मेरी माँ को मरे हुए लगभग उतने साल हो गए जितने साल उस फोटोग्राफ में वो बच्ची दिख रही थी। उस फोटोग्राफ में वो बच्ची कितने साल की दिख रही थी, आपको याद होना चाहिए 12 साल की। तो इट मीन्स पोएट की मदर को गुजरे हुए, इस दुनिया से गए हुए 12 साल हो चुके थे। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इस घटना की वजह से आप जब आपने देखा होगा कि अगर आपको किसी का याद आ जाता है, किसी को रिमेंबर करते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, तो आप ग्रीफ में चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए शोक में चले जाते हैं। तो जिसकी वजह से हमारी ऑथर यहाँ पे कह रही हैं कि अब उसके बारे में मेरे पास एक शब्द उस घटना के बारे में कहने के लिए, अपनी माँ के बारे में बताने के लिए मेरे पास कोई वर्ड, कोई शब्द नहीं बचा है। इट साइलेंस साइलेंसेस। और आगे कहती हैं कि अब क्या है, सिर्फ साइलेंस है, मतलब हमारी जिंदगी में सिर्फ सन्नाटा है। यहाँ पे जो साइलेंस, पहला वाला साइलेंस यूज किया गया है, वो ग्रीफ दिखा रहा है, सॉरो दिखा रहा है कि हमारी पोएट जो है वो कितनी ज्यादा अपसेट हो जाती है।
यहाँ पे इस पूरे पोएम में तीन फेज हमारी पोएट ने डिस्क्राइब किया हुआ है। तीन फेज का मतलब क्या है, पहला फेज उनकी मदर का था जब वो हैप्पी थी, उनके आपने एक ब्यूटीफुल लाइफ में थी, और दूसरा फेज हमारी पोएट का था जहाँ पे उनकी मदर जो है वो यंग हो गई थी, अभी क्या था हमारी पोएट का बर्थ हो चुका था, और लास्ट फेज उन्होंने बताया है जब उनकी मदर इस दुनिया में नहीं होती है, और उस समय हमारी पोएट उनके फोटोग्राफ को देख के मेमोरीज को, पुरानी मेमोरीज को याद करने की कोशिश कर रही थी। तो ये था आपका टोटल पोएम का समरी एक्सप्लेनेशन, और अब हम इसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। इस पोएम के अंदर तीन पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं। पहला पोएटिक डिवाइस जो यूज किया गया है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आप फर्स्ट इंडिया के लास्ट लाइन में जाएंगे वहां पे ट्रांसिएंट, टेरिबली ट्रांसिएंट करके वर्ड लिखा हुआ है, आप उसको देखेंगे तो स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड के लेटर्स सेम है या सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस समय आप कह सकते हैं वहां पे एलिट्रेशन यूज किया गया है। सेकेंड जो पोएटिक डिवाइसेस में यूज किया गया है वो है ऑक्सीमरन। ऑक्सीमरन आप कहाँ पे देखेंगे, आप पोएम के अंदर जाएंगे तो क्या करना है, सेकेंड स्टेंजा में एक वर्ड लिखा है लेबर इजी। लेबर इजी का मीनिंग अगर आप निकालेंगे तो दोनों के अपोजिट मीनिंग होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों वर्ड एक दूसरे के साथ क्लोजली पेश किए गए हैं, तो जहाँ पे दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड एक साथ यूज किए जाते हैं उसको कहा जाता है ऑक्सीमरन। और इसमें जो लास्ट पोएटिक डिवाइस आपका यूज किया गया है वो है पर्सोनिफिकेशन। आपको ऑलरेडी बताया गया है पर्सोनिफिकेशन किसको कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। पर्सोनिफिकेशन आप जो थर्ड स्टेंजा का लास्ट लाइन वहां पे साइलेंस यूज किया गया है वो पर्सोनिफाई किया गया है। इस तरीके से आपका ये एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद पीसीबी क्लासेस। ऑल द बेस्ट।